अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं जी। मैं आज आपको अपने गांव आया हूँ, ऊपर पहाड़ों पे। ठीक है, पहाड़ों से हमारा गांव नज़र आता है। तो जी मैं आज आपको ना खंडवा गांव जो ऊपर से दिखाता हूँ जी। वैसे निकला हूँ वहाँ के लिए निकला था, तो फिर गांव की साइड पे आ गया हूँ। मैंने कहा चलो जी आ, तो वैसे ही क्यों, ये मेरे पीछे देखे आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़, ये बड़े माशाल्लाह खूबसूरत पहाड़ हैं। तो चलो जी पैदल जा रहा हूँ, आपको फिर ऊपर से अपना गांव दिखाते हैं जी। देखना हमारा गांव माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, और गांव के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। ये इधर ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे स्वेग लेक की पार्किंग है, वहाँ से ऊपर को रास्ता जाता है जी। इधर से मैं आया हूँ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जी बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे पहुंचने वाला हूं, तो आपको दिखाता हूं अपना गांव। मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने कहा एक बार टॉप पे पहुंच जाऊं ना, उसके बाद फिर आपको दिखाऊं। अभी तो पहाड़ी पे चढ़ रहा हूं जी। बड़े बड़े अरसे के बाद जी, बहुत अरसा गुजर गया। मेरे अंदाजे में तकरीबन 10 से 12 साल हो गए होंगे। 10 से 12 साल पहले मैं आया था और आज मैं आया हूँ जी। तो ये बिल्कुल चोटी पे पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जी अपना गांव। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा, मज़ीद मैं आगे जाता हूँ आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये हमारा गांव है जी। खंडवा नाम है जी इसका, या कि जो है ना लेक, स्वेग लेक भी मशहूर है जी, वो इसी गांव के नाम से ही मशहूर है जी। पहले आपको खंडवा आना पड़ता है जी, फिर आगे से आपको स्वेग लेक जो है ना, स्वेग लेक जाना पड़ता है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक हमारे गांव को खुश और आबाद रखे। जी हमारे गांव की जी देखें, बड़ी जबरदस्त हवा चल रही है जी, ठंडी ठंडी हवा। तो ये नज़ारा है जी, वैसे गांव की ज़िंदगी का भी अपना ही मज़ा है। तो जो भाई मेरा अभी चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें जी। ये मेरे ख्याल में जी नीचे एक और भी इधर ग्राउंड बना है जी, लड़के खेल रहे हैं। कोशिश करता हूँ कुछ नज़दीक लाने के जी। ये मेरे ख्याल में ये जी नया ग्राउंड बना है जी, मैं तो आए ही बड़े अरसे के बाद हूँ। ये पहुंच गए हैं जी पत्थर पे, ये देखें, ये अब मैं इस पे खड़ा होने लगा हूँ। ये अब चेक करेंगे, माशाल्लाह जी क्या मैं कहता हूँ नज़ारा है, और क्या ग्रीनरी आ रही है जी। ये देखें, इधर बैठने के भी बड़ा मज़ा है जी, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो शाम का भी अपने ही नज़ारा है जी। ये जी खंडवा गांव की शाम,
बड़ी ज़बरदस्त, तो बड़ा सुकून सा जो है ना फील हो रहा है, बिल्कुल शहर से दूर, गाड़ियों की आवाज़ों से दूर, परिंदों की आवाज़, जान चहकने की आवाज़, तो बड़ा सुकून जो है ना मैं बहुत इजीली फील कर रहा हूँ, बहुत इजीली, यकीन मान लें, क्या बात है, गांव की लाइफ का अपने ही मज़ा है। बस इस तरह फंस गए हैं कारोबार में कि टाइम ही नहीं निकलता अपने के लिए, लेकिन निकालना पड़ता है जी, टाइम निकाल ना निकालो तो फिर ज़िंदगी भी कोई नहीं है, टाइम निकालो अपने लिए निकालो, अपने बच्चों के लिए निकालो। ठीक है जी, तो मैं अब चलता हूँ वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, फिर मैंने अभी पैदल ही जाना है, वॉक करके जाना है शॉप पे, तकरीबन 2-3 किलोमीटर सफ़र बनता है यहाँ से। तो खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, तो मिलते रहेंगे डेली व्लॉग के साथ हर एक नए अंदाज में। और BMZ व्लॉग चैनल है मेरा, तो सब दोस्त मुझे सपोर्ट करें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको कामयाबी दे, तो इंशाल्लाह नई नई चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो अपना ख्याल रखना जी, अल्लाह हाफिज़।